द फिल्मोग्राफी फिल्मोदय राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। बाबुल थारी लाडली राजस्थानी भाषा में बनी वो फिल्म जो पारिवारिक है। बापूजी, अपना घरे लक्ष्मी आई है। संगीत प्रधान है और एक नई पृष्ठभूमि में राजस्थान की परिवार में होने वाली उन परिस्थितियों को दर्शाती है जिसे हर इंसान देखना चाहता है। बापूजी, एक नंबर का डपोड़ शंके है ना, तो दुतली गेल्या तुत कियो। राजस्थानी फिल्मों का ये एक नया दौर है जिसमें हाल ही में प्यारो बाबुल रिलीज हुई थी और अब पिलानी में बाबुल थारी लाडली प्रदर्शित होने जा रही है। फिल्म का कथानक अपने आप में एक नवीनता लिए हुए है। इसका वातावरण सहज स्वाभाविक रूप से राजस्थानी ही है और राजस्थान की लोकेशंस पर फिल्माई हुई ये एक बेहतरीन फिल्म सिद्ध होगी। फिल्म में मनोरंजन के साथ साथ संगीत अपने आप में एक पारिवारिक वातावरण रखता है। परिवार के हर सदस्य का प्यार दर्शाया गया है। कह सकते हैं, जो करे बेटी से प्यार वो क्यों ना देखे बारंबार, सह परिवार बाबुल थारी लाडली। मनोरंजन के साथ इस फिल्म के अंदर फिल्म का जो कथानक है उसे फिल्म के निर्माता निर्देशक ने ही लिखा है और अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ में प्रस्तुत किया है। आज के दौर में निर्माता सतर्क होकर अगर फिल्म बनाता है तो उसे सफलता मिलती है। मन ने बेटी नहीं, बेटो चाहिए बेटो। इसका प्रमाण एक बार नहीं अनेक बार राजस्थानी फिल्मों में प्राप्त हो चुका है, मिलता रहा है। क्योंकि निर्माता सतर्क होकर ही काम करेगा तो निर्देशक को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का बेहतर मौका मिलता है। हस्तक्षेप ना हो तो ही बनेगी एक सफल फिल्म। और यही कारण है कि अब राजस्थान में जो निर्देशक हैं वो अपनी फिल्मों का निर्देशन करने के साथ साथ निर्माता बनने का हक भी हासिल कर रहे हैं। एक निर्माता अपनी फिल्म को बेहतर रूप से प्रस्तुत करता आया है और करेगा। तन पतो हन मन बेटी नाम सोई नफरत है। पर मेरे के नाम से तो कोनी ने। किसी भी कथानक में कलाकार की भूमिका अपने आप में बहुत सुदृढ़ होती है और कलाकार का अनुभव उस पात्र को संजीव करता है। इस फिल्म में राज जांगिड ने काम किया है जो अपने आप में एक सक्षम कलाकार हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन एक बार नहीं अनेक बार किया है। बीकानेर के युधिष्ठिर भाटी हैं और जयपुर के आर्यन महेश्वरी हैं। फिल्म में कॉमेडी का तड़का इस अंदाज में लगाया गया है कि हर परिवार को ये कहानी अपने आसपास की कहानी नज़र आती है, अपने परिवार की कहानी नज़र आती है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं जुगल के नायक, तो ज़रूर देखें बाबुल थारी लाडली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।